तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। कल काफी प्रॉब्लम थी वीडियो में, एडिटिंग में दिक्कत, टाइम स्टैम्प नहीं दिया और कसाना का क्लच भी रह गया था। तो यार मैं बाहर था, कल रात ही आया हूँ, लेकिन फिर भी गलती तो गलती है, उसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करेंगे सब कुछ प्रॉपर रखने की। लेकिन यार अब वक्त हो चुका है प्रॉपर 15K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का भी, तो यार जरा अपने भाई का भी कुछ ख्याल रखो। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है जोंटी भाई की तरफ से। तो उन्होंने ओजी को ज्वाइन करने के लिए फनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, और अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तो आप ओजी में आ सकते हो। देखो मैं आपको रूल बता देता हूं गिल्ड के। आपका केडी रेट अच्छा कितना होना चाहिए जोंटी का मिनिमम? आपका केडी रेट एक सीजन में 8 तक का कम से कम होना चाहिए गिल्ड की रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीडर का है 5000 से 8000 का टॉप अप होना चाहिए आपके आईडी में। लीडर का लीडर के लिए रूल अप्लाई नहीं होता। लीडर के लिए रूल अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए और खास कर नए प्लेयर्स के लिए। देखो आपका सबसे पहले गिल्ड टेस्ट होगा जिसमें आप 1v2k करोगे। ठीक है, और एक डेजर्ट वाला होगा, एक शॉर्ट रेंज के लिए। आपको सिर्फ डेजर्ट ईगल से खेलना है, बाकी दोनों किसी भी गन से खेल सकते हैं। तो मतलब हम अपने, देखो एक औजा है हमारी गिल्ड का एक, तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि बाहर कल को आपको कोई मारे और फिर वो बोले कि हमने इस गिल्ड के बंदे को मारा है। तो हम उन्हीं प्लेयर्स को लेते हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अगली अपडेट है गेमिंग ओरा की तरफ से। तोरा ने एक स्टोरी शेयर की थी रिगार्डिंग न्यूज चैनल्स। अब किसको किसको बोला वो तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट क्योंकि मैंने रिसेंट में ओरा की पीओवी स्ट्रीमिंग वाली वीडियो कवर की थी, मतलब उसमें से एक पॉइंट कवर किया था। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में टैग किया था चैनल को, लेकिन ओरा की स्टोरी में जो थर्ड पॉइंट था वो मुझे सही लगा। मैंने एक पार्ट दिखाया, उससे लोगों ने समझा होगा कि उसने सिर्फ इतना ही बोला है, और हो सकता है कुछ ने सिर्फ इतनी बात जान के गलत ही कहानी बना ली अपने मन में। तो अब से मैं जो भी क्लिप यूज करूंगा कुछ पॉइंट समझाने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा, और किसी दिन ना हो तो याद दिला देना। यार मेरा मोटिव किसी का पॉइंट गलत दिखा के उसे हेट दिलवाना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी अनजाने में मुझसे ऐसा हुआ तो सॉरी। और यार तुम लोग बता दिया करो अगर कोई गलती हो जाए करे मुझसे, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ सही है, और अगर तुम याद दिला दोगे तो मुझे हेल्प मिलेगी खुद को इम्प्रूव करने में। अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को अल्ट्रा प्रो लॉबी में खेलते देख ये तो लगता ही होगा कि काश हम भी ऐसी शानदार लॉबी में खेल पाते। उसका एक तरीका था FFIC इन गेम क्वालिफायर्स, लेकिन ऑफिशियल इवेंट्स तो पता नहीं कब तक होल्ड पे रहेंगे। लेकिन game.tv आपको होल्ड पे नहीं रखेगा, इतने सालों की आपकी ग्राइंड किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखनी तो चाहिए ही, और तुम्हें भी बराबर मौका मिलना चाहिए नाम कमाने का। और अंडरडॉग्स की उसी विश को पूरा करने के लिए game.tv लाया ग्लोरी कप सीजन 2। 50,000 प्राइजपूल वाले इस टूर्नामेंट के राउंड 3 में ही आपको इनवाइटेड टीम्स के अगेंस्ट खिलवाया जाएगा, और सबको फिनाले में जाने का बराबर मौका मिलेगा। तो इस सुपर कूल फॉर्मेट में एंट्री से आप बस एक कदम दूर हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, फटाफट से जाओ और रजिस्टर करके आओ। अब बढ़ते अगले पार्ट पे, जिसका नाम है गैस द फोटो। कल की फोटो दी वासियों की, अब आज की फोटो गैस करो। आपके ऑप्शंस हैं ए कसाना, बी RDP, सी रौनित, एंड डी निवेश। चलो फिर जल्दी से कमेंट कर दो, और साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और यार कुछ लोग आके बोलते हैं कि तेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि तू एडवाइस दे, तो मैं उन लोगों से बस इतना जानना चाहता हूँ कि कौन सा डिप्लोमा या डिग्री कर लूँ ताकि उस लायक बन सकूँ, बता देना याद से। अगली अपडेट है थंडर शोडाउन से। तो उसको जीत लिया द माफियाज ने, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पे रही RNT एंड थर्ड पोजीशन पे रही WOB। नेक्स्ट अपडेट है लिडोमा से। तो कप ऑफ नेशंस डे 1 के बाद टॉप पर है टीम पावर, सेकंड पे है द माफियाज एंड थर्ड पोजीशन पे है बॉस ऑफिशियल। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल का आंसर था डॉक्टर एस जयशंकर जी। अब आज बताओ कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा। नेक्स्ट अपडेट है रोकी भाई की तरफ से। तो फाइनली PC क्लाइंट आ चुका है। और गाइज मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ फौजी भाई, और ये शायद मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। गाइज खुशखबरी ये है कि PC क्लाइंट आ चुका है, मुबारक। PC क्लाइंट जो ऑडियंस है ना वो आपकी बात सुनकर काफी खुश होने वाली है, क्योंकि जो PC क्लाइंट के साथ जो टूर्नामेंट देखने का मजा आता है ऑडियंस को अलग लेवल का आता है, और जो आप लोग भी जो कास्टिंग करते हैं रोकी भाई
पूरा आप मतलब जो माहौल होता है पता रहता है कि कौन सी टीम कहाँ से रोटेट काट रही है, कौन सी टीम होने वाली है, सामने कौन सी टीम होने वाली है, कितने प्लेयर उसके बचे हुए हैं मैप के अंदर कहाँ पे, मतलब वो इतना हेल्पफुल रहता है पीसी क्लाइंट रोकी भाई कि आप अच्छे से गेम का वर्णन कर सकते हैं और लोग उनको अच्छे से समझ सकते हैं और लोग भी उस चीज़ को देख के काफी इंजॉय कर सकते हैं, उस चीज़ में काफी ऐड ऑन हो जाती चीज़ें और ये जो आप देख रहे नेम वगैरह ये हाइड हो जाते हैं जो। अगली अपडेट एक नाइट की तरफ से, तो यार तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले भी बात उठी थी कि सीआरएक्स ने प्राइस पूल अभी तक नहीं दिया है। अब दोबारा एक नाइट ने स्टोरी डाल के बताया है कि सीआरएक्स ने एक साल से पेमेंट ही नहीं दिया है और अब प्लेयर्स और मैनेजर के मैसेज और कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। अगली अपडेट है RNS Esports की तरफ से, तो आसिम और मैमुंगड़ा अब RNT के रोस्टर का पार्ट नहीं है। आसिम ने तो गेम ही छोड़ दिया है, ये गेम बैन सब कुछ ऐसे ही खराब करके जाएगा। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्लेयर्स ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्लेयर कसाना का, जिन्होंने एक शानदार 1v4 किया है। पता की नहीं क्योंकि पिछला मैच जो था थोड़ा सा यहाँ पर टीम के लिए मुश्किल था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिल रहे थे। कसाना यहाँ पर फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे अपने खाते में, क्या यहाँ पर फ्रैग की एंट्री कर पाते कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम यहाँ पर केओज अच्छी खासी यहाँ पर अपने फ्रैग की एंट्री कर चुकी है। प्राप विद 1 frag एंड कसाना विद 1 frag, दोनों प्लेयर्स ने अच्छे खासे यहाँ पर फ्रैग्स की एंट्री कर चुके हैं। बट आई थिंक यहाँ पर कसाना रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो एक और फ्रैग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू वॉल को तोड़ा जाएगा एंड आई थिंक प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा, स्पॉट किया गया एंड इंस्टेंट नॉक दिया जाएगा। तीसरे प्लेयर को भी यहाँ पर स्पॉट करते हैं, इंस्टेंट नॉक टीम के खाते में। यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर फ्रैग्स की एंट्री करते ही जा रहे, रुकने का नाम नहीं लेंगी टीम केओज। बिल्कुल सही, टीम क्योस इधर से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनके नाम जिस तरीके से है वो क्योस मचाते रहते हैं। नेक्स्ट टॉप प्लेयर RNS का, जिन्होंने चलाया अपनी चार्ज बस्टर का ऐसा मैजिक कि 1v4 हो गया। अगला टॉप प्लेयर LIkhi का, जिन्होंने लास्ट जोन में 1v3 करके टीम को बुइया दिलाया। चले वाला है मन टीम के उसके प्लेयर, ओह माय गॉड, अनस्टॉपेबल टीम बन चुकी है। टीम अपने खाते में फ्रैग्स की एंट्री कर रही है एंड इस मैच के विजेता रहने वाले टीम केओज के प्लेयर्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल नजर आते हुए देखने को मिलेगी, कसाना को यहाँ पर डाउन कर दिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कि टेकी थे वो भी डाउन हो चुके। प्राप्त अपनी टीम में से लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हुए, क्या वो अपनी टीम को यहाँ पर बचा पाते कि नहीं। बुइया की तरफ लेके गए, पेन यहाँ पर लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हुए थे एंड टीम केओज 5वें। और हमारा लास्ट सेक्शन है क्रेडिट सेक्शन, तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प किया मेरे कुछ भाइयों ने, जिनका नाम है अंकित, मयंक, हितेन, TWOBZOP। थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे कुछ शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।